हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहाँ पढ़ते फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 जो है वो फिनिश हो चुका है एक्सरसाइज के साथ, तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। ओके, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ना है। आपको बता दूं कि ह्यूमन आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा है, ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से ह्यूमन आई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्रकृति ने उसको बनाया, भगवान ने उसको बनाया है, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेचुरल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन आई, उसके कितने कंपोनेंट्स, मतलब मेन पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है? मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन है, किससे मतलब कौन कौन पार्ट्स जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट करता है किसी आई को। ओके, सबसे पहले इट इज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। ये करता है क्या हमको? देखने का सेंसेशन देता है। अगर मान लीजिए ह्यूमन के पास आई नहीं होता तो वो बिना आंख के तो ये समझ सकता है इतना दूर पर कोई आदमी है, ऐसे सेंसेशन हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ है, स्मेल कर सकता है, लेकिन वो कैसा है, कितना खूबसूरत है, कैसा है, ये कैसे पता चलेगा, उसके कलर का कैसे पता चलेगा? तो वो जानने के लिए ह्यूमन के पास आई का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो एक बहुत ही मैजिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, भगवान ने बनाया है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आई, मेन पार्ट्स ऑफ द आई, ठीक है? हमने इसका बहुत ही सरल सा डायग्राम बनाया आपके सामने। जैसे देखिए, ये जो है ना, ये सामने जो है ये है कॉर्निया है। ये क्या है? कॉर्निया है। और इसके जस्ट बाद में ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? आयरिस। और ये जो सेंट्रल पार्ट है कॉर्निया के जस्ट पीछे वाला, उसको कहते हैं पीपल। ओके, और ये जो है ना ये कहलाता है लेंस, आई लेंस। और ये वाला जो हिस्सा कहलाता है सिलियरी मसल्स कहलाता है। क्या इसको क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसके पीछे वाले हिस्सा को क्या कहते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है, उसको कहते हैं रेटिना। और ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व पास होता है, ठीक है? एक ऐसा स्पॉट जहां से ये ऑप्टिक नर्व से, और यहाँ पर कोई तरह का इमेज इमेज बनता नहीं है, बहुत ही अंधेरा, ऐसा वाला स्पॉट है। ओके, रेटिना के जो ऑप्टिक नर्व जहां पास करता है। ओके, अब कॉर्निया एंड आयरिस ये के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका नाम क्या है? एक्वस ह्यूमर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 337 के आसपास होता है, जितना कि किसका होता है? 1.33 वाटर का होता है? नहीं, तो उतना के आसपास होता है। ओके, और ये अंदर वाला जो है ना विट्रस, ये 1.4 के आसपास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है? हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, तो यहाँ पर तो यूनिट होगा नहीं, तो फ्री है। ओके, अब हमें सबसे पहले ये सब जान ली हमने, तो एक एक अच्छा इस पूरे जो जितने भी पार्ट्स है इसको जो होल्ड करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं? आई बॉल कहते हैं, ठीक है? इस पूरे पार्ट्स को क्या करता है? वो होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, मतलब यह पूरे स्ट्रक्चर को जो कहते हैं ना उसको आई आई बॉल कहते हैं, ठीक है? ये जो पूरा जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है? नहीं तो तुम कहोगे आई किसे कहते हैं, फिर आई बॉल इसको कहते हैं, तो आई किसे कहते हैं? ये पूरे हिस्से को जो कंटेन करके रखता है, उसका तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पूरे हिस्से क्या कहलाता है? आई बॉल कहलाता है। अब हम यहाँ पर कॉर्निया देखो, सबसे पहले नाम लिख रखा है कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपल, आयरिस, लेंस, सब असेंडिंग ऑर्डर में। यहां से पहले ये, उसके बाद ये एक्वस ह्यूमर, इसके बाद आयरिस, इसके बाद प्यूपल, इसके बाद लेंस, इसके बाद सिलियरी मसल, इसके बाद यहाँ पर है विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। ओके, तो ये सब जो चीजें है ना इसको हमने लिख रखा है। अब हम एक एक करके सबका वर्किंग पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है, ये करता क्या है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर हमने टाइप्स तो जान लिए कितने मतलब कितने पार्ट्स में होते हैं, बट एक एक करके हम सबका क्या करना है, हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन और इसके बारे में भी जान रहे हैं कि ये किससे मिलकर बना होता है, क्या इसका मेन वर्क होता है, ठीक है? देखिए, कॉर्डिया क्या है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट पार्ट
पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट पोर्शन में ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट एंटर होता है, यहीं से लाइट एंटर होता है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। उसके बाद वो लाइट जो एनकाउंटर करता है, सबसे पहले इक्कोस्ह्यूमर को करता है, इट इज नथिंग बट ए फ्लूइड दैट हैज सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इक्कोस्ह्यूमर कुछ नहीं है, ये क्या है, फ्लूइड है जो कि जिसकी कुछ पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीपल, पीपल ये पीपल जो आता है, इट इज द डोर ऑफ द लाइट, ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है, डोर लाइट का, ओके। ये यहां से लाइट क्या होता है, एंटर करता है, ओके, पीपल से। अब ये लाइट एंटर्स इनसाइड द आई, इट इज वन वे डोर वेयर लाइट एंटर्स बट डज नॉट कम बैक। एक वन वे डोर है जिससे लाइट तो एंटर होता है लेकिन बैक नहीं आता, वापिस नहीं आता, तो इसको कहते हैं पीपल। अब आयरिस, देखिए आयरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, पीपल को। ये जैसे कितना इसको ओपन होना चाहिए, कितना क्लोज होना चाहिए, जैसे ही आप डार्क रूम में जाएंगे ना, तो आपका आई क्या हो जाएगा, वो मतलब क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसको सिकुड़ना बोलते हैं, सिकुड़ सिकुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप लाइटेड एरिया में जाएंगे तो वो कंट्रैक्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो वो जो होता है, इसका काम वो कंट्रोलिंग पीपल का, कंट्रोल का काम कौन करता है, आयरिस करता है। इट इज द वन व्हिच कंट्रोल्स द पीपल, इट डिसाइड्स हाउ मच पीपल शुड ओपन अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, इट ओपन्स और क्लोजेस। लाइट के अवेलेबिलिटी के आधार पर या तो ओपन होता है या क्लोजेस होता है, ठीक है। तो ये है आयरिस का, ओके। नेक्स्ट फोर पार्ट्स और है, ओके। प्यारे बच्चों, हम आयरिस तक समझ चुके थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फोर हो गया था, फाइव सिक्स एंड सेवन है ये। देखिए फिफ्थ नंबर में क्या आता है, लेंस, ठीक है। ये जो है ना लेंस, इसको आई लेंस भी बोलते हैं। इट इज द डबल कन्वेक्स लेंस, ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है, सिचुएटेड बिहाइंड द आयरिस, आयरिस के पीछे सिचुएटेड होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, ये जो बना होता है, एक फाइबरस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। द लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाई सस्पेंसरी लिगमेंट, ये जो लेंस होता है एक सस्पेंसरी लिगमेंट से हेल्ड होता है वो, ओके, एंड कनेक्टेड टू द स्क्लेरोटिक बाय द सिलियरी मसल्स, और स्क्लेरोटिक से सिलियरी मसल्स के साथ कनेक्टेड होता है सस्पेंसरी लिगमेंट, और ये सिलियरी मसल्स से ऐसे कनेक्टेड रहता है, ओके। अब सिलियरी मसल्स किसे कहते हैं, इट हेल्प्स टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ, लेंस को फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए सिलियरी मसल्स का इस्तेमाल होता है, वो कम ज्यादा फोकल लेंथ बनाता रहता है, जिसको एकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस कहते हैं, इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये ओके, सिलियरी मसल होता है। उसके बाद विट्रस ह्यूमर, ये देखिए, ये जैसे इक्कोस ह्यूमर था वैसे ही विट्रस ह्यूमर भी है इसके अंदर, लेकिन ये जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, 1.33 था वहां, यहाँ 1.47 है, ओके। तो ये है आपका विट्रस ह्यूमर। अब हमें बचा रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, अभी इसको करते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ये लास्ट पार्ट है रेटिना। देखिए रेटिना में क्या होता है, रेटिना है एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है ऑफ नर्व फाइबर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द बैकवर्ड ऑफ द आई, आई के बैकवर्ड में, इनर साइड में अंदर की तरफ, ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन नर्व फाइबर्स होता है। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रोड्स एंड कॉन्स, ये जो सेल होता है इसमें, इसके रेटिना के अंदर जो इसमें सेल्स होता है, इसको कहते हैं रोड्स एंड, रोड्स एंड कॉन। देखो रोड्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो जो चीज, कोई ऑब्जेक्ट कितना ब्राइट है कितना डार्क है, इसको बताने के लिए कौन बताता है, रोड्स, ओके। लेकिन अगर उसका कलर ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ये बताना है, तो उसका काम, इसका काम कौन करता है, कॉन्स करता है, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट यहां डार्क एरिया होता है, कंप्लीट डार्क एरिया होता है, थोड़ी ब्राइटनेस नहीं होती, तो यहां पर डार्क रीजन कहलाता है रेटिना का, ओके। यहां इमेज नहीं बनता, इमेज या तो यहां पर बनेगा, इधर बनेगा, इस एरिया में, इधर से नर्व्स पास करके ब्रेन को जाता है, ओके, और वो सेंसेशन देता है, ठीक है। ब्राइटनेस या डार्कनेस का जो सेंसेशन मिलता है वो उससे मिलता है, या कौन सी कलर है उसको बताने के लिए आई को सेंस कर पाता है,
कौन? रेटिना। ओके, तो रेटिना के अंदर अब हमें पढ़ना है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ओके, देखते हैं उसको। जस्ट प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है एकोमोडेशन पावर। देखिए, एक आई की एक ऐसी क्षमता जिसके कारण दूर और नजदीक, नियर बाई ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख पाता है बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ। अपने फोकल लेंथ को चेंज करके, जो सिलरी मसल का काम है, फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद करता है। मतलब उसी की वजह से वो जो कंट्रैक्ट और कंप्रेस होता है या फिर इलोंगेट होता है, उसी की वजह से फोकल लेंथ चेंज हो पाता है। ठीक, किसका? कॉन्वेक्स लेंस का है, जो आई लेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, द पावर ऑफ द आई ड्यू टू विच एन आई कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बाई चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन पावर। मतलब आई का जो एकोमोडेशन पावर होता है वो यही कहलाता है। देखो, एक ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, उसको जैसे ही हम इससे पास कराएं कॉन्वेक्स लेंस से, तो इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर। दूसरा, जो नियर बाय रखा हुआ है, नजदीक रखा हुआ है, तो इससे जैसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस से पास कराएंगे, इसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर। तो ये केसेस है एकोमोडेशन पावर। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, क्या ये बहुत नियर, दूर के तो ठीक है, एक लिमिट तक दूर हो तो उसको देख लेगा, लेकिन क्या ये बहुत नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा आई? तो नहीं, इसका लिमिट है। एक नॉर्मल आई जो होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक के को क्लियर नहीं देख पाएगा, ब्लर्ड देखेगा। ठीक है, तो फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आई का होता है वो कितना होता है नॉर्मल आई के लिए? 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए मतलब नजदीक से नजदीक जितना वो देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर देख सकता है। तो यहां पर लिखते हैं, फॉर नॉर्मल आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन इज व्हाट? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको क्लियरली देख सकता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आई का। ओके, ये समझ में आ गया। आज का लेक्चर यही, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट्स है उसमें पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके, क्लियरली? थैंक यू।